एंड वीकनेस इज डेथ। बट ये जो टॉपिक है, इस कोट को अगर पूरी तरह सुना जाए तो ये पूरा कोट ऐसा है, स्ट्रेंथ इज अ लाइफ, वीकनेस इज अ डेथ, एक्सपांशन इज अ लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज अ डेथ, लव इज लाइफ, हेट्रेड इज अ डेथ। ये तीनों वर्ड बहुत पावरफुल है, स्ट्रेंथ, एक्सपांशन, लव। ये तीनों चीजों को अगर अपन अपने लाइफ में, जिंदगी में उतार लेते और इसको लेकर आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई प्रॉब्लम हमें आ सकती है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा कि स्ट्रेंथ आपके हिसाब से क्या होता है? एनीवन? स्ट्रेंथ मतलब क्या होना चाहिए? चलो मैं इंटरेक्टिव बनाता हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब पावर, स्ट्रेंथ का मतलब आपके किसी के हिसाब से एनर्जी होनी चाहिए, फिजिकल एनर्जी होनी चाहिए, किसी के मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी भी मतलब होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए। और आप सभी के सोचने के हिसाब से स्ट्रेंथ की ये डेफिनेशन है, बट अगर मैं एज अ एंटरप्रेन्योर और मैं एज अ बिजनेस माइंडेड माइंड के हिसाब से सोचूं तो मेरे लिए एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक ही है कि मुझे मेरे वीकनेस को एनालाइज करते आना चाहिए और मेरे वीकनेसेस में जो मुझे लगता है कि मैं इसे मेरे एफर्ट से उसे कन्वर्ट कर सकूं, उसे मिनिमाइज कर सकूं, मैं उसे रिडक्शन कर सकूं और उसे मैं स्ट्रेंथ बना सकूं, दैट विल बी मोर आवर मोस्ट यूजफुल स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ तो आपको काम में आएगी, आप उसे बढ़ाइए, बट आप आपके जिंदगी का कुछ समय आपके वीकनेस को एनालाइज करने के लिए दीजिए। हर एक में वीकनेस होती है, मेरे में है, आप में है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग में वीकनेस लगेगी, किसी को ऐसा होता है कि कोई सुबह जल्दी उठता होता नहीं है, लेट उठने वाले लोग होते हैं, कोई कहता है कि यार मैं पढ़ाई में वीक हूँ पर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ। ठीक है, हर एक के अंदर कम ज़्यादा कुछ ना कुछ कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, बट हमें स्ट्रेंथ हमारे एनालाइज करते समय वीकनेस पे इम्पोर्टेंस देना है। वीकनेस देखने आप कैसे ढूंढोगे? देखो दोस्तों, ये वीकनेस एनालाइज करते वक्त और ढूंढने के बाद में हमें उसे स्ट्रेंथ में बदलने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन लगेगा।